असनस वो कला हिल गई को पर तरह 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 हिलने लगा। दामा बोलो राधा पागल हो गया तू हट जा, अगर ये गोपर तर गिर गया ना तो हम सबकी चटनी बन जाएगी। भगवान बोले दामा कुछ नहीं होगा। एक दो दिन नहीं बल्कि सात दिन हो गए यूं ही जल की वर्षा होती रही। एक मिनट अभी पानी बरसना बंद नहीं हुआ। एक करामात गोवर्धन में भी बन गई। कौन सी गोवर्धन महाराज इतने गर्म हो गए जब ऊत आती है वो चल जाती है और पाप कर करके दोबारा फिर से नव मंडल को रोड़ जाती है। इतने गर्म हो गए। सात दिन के बाद मैं परेशान होकर के इंद्र के पास लगा, महाराज मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी लेकिन जो वृंदावन के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक भी भूत नहीं पड़ी। इंद्र समझ गया ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार हो चुका। किधर बरसात बंद हुई भगवान का रहिया ने गोवर्धन जमी पर रखा। भागता हुआ इंद्र सामने पहुंच गया तो भगवान का रहिया के पैरों पर गिर पड़ा। प्रभु मुझे माफ कर देना, अभिमान के कारण हम थोड़ी समझने में भूल कर गए, नहीं समझ पाया कि तुम्हारा अवतार हो चुका है। भगवान ने इंद्र को माफ किया। इंद्र पुनः अपने तिब्बत के लिए वापस चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। पचास रुपया है ये हमारे गरीब मोहित की तरफ से है। गणेशपुर के रहने वाले हैं। मोहित की तरफ से 50 रुपया हमारे गरीब आए। इस प्रकार से भगवान का रहिया ने गोवर्धन का पूजन करवाया। सवाल कुछ और होता है कि भगवान का रहिया ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया। माफ करें इसमें एक त्रेता की बात मिली। त्रेता की भगवान श्री राम और लक्ष्मण ये लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। समुद्र बीच में दीवार बन गया। लक्ष्मण बोले भैया जनक नंदनी सीता के कारण मैं समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र निकल करके बाहर आ गया। बोला प्रभु तुम्हारी सेना में नल और नील इनके हाथ से डाला हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं है तैरता है तो पुल बना लो और चले जाए। ऐसा ही हुआ। बानर लोग पहाड़ लेके आने लगे नल और नील डालने लगे। बजरंग बली गोवर्धन के सामने पहुंचे। कचरो आज हम तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे। कचरो चल दिए। तब तक खबर आई का हनुमान पहाड़ हुई रख दो पुल पूरा बन गया। बजरंग बली ने गोवर्धन को जमीन पे रखा चल दिए। गोवर्धन बोले सुनो पवन पुत्र हनुमान तुमने ये कहा था कि हम भगवान श्री राम के दर्शन कराएंगे तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा कहाँ जाए। बजरंग बली बोले तुम रुको हम गए और अभी आए। भगवान श्री राम के सामने पहुंचे सारी बात बताई तो भगवान श्री राम बोले उसे जाकर के कह दो अभी नहीं द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तो उन्हें अपने दर्शन भी देंगे उनका सम्मान भी कराएंगे बाद में से अपना काम भी निकालेंगे। तो भाई सही डाले Thank you.
है।